सभी दर्शकों को नमो नमः है। मित्रों, आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक का परिवर्तित पाठ है, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा, जो कि 9वां पाठ है, इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले दर्शकों से निवेदन है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता। क्रीड़ा यानी खेल, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। तो खेल कूद की जो प्रतियोगिता हो रही है उससे संबंधित यह पाठ है और कुछ बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हुमा, यूयम कुत्र गच्छत। यूयम यानी तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो। इंद्र है, यह जवाब देता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय जा रहे हैं। आगे है फेकना है, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयम खेलिष्यामः। तत्र यानी वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेलकूद प्रतियोगिता, सन्ति यानी हो रही है, वयम खेलिष्यामः, हम खेलेंगे। रामचरण बोलता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही है, यानी बॉयज के लिए ही है। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी वहां खेलेंगी। फिर रामचरण फिर पूछता है स्वामी, रामचरण फिर पूछता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्त अथवा पृथक पृथक दले। किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब, सर्वे यानी सभी, एकस्मिन् यानी एक में, दले यानी दल में, स्त यानी हो, क्या तुम सभी एक ही दल में हो, अथवा अथवा यानी या पृथक पृथक दले, अलग अलग दल में, अलग अलग टीम में हो या एक ही टीम में हो। प्रसन्ना जवाब देती है तत्र बालिकाः बालकाश्च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिकाएं मिल करके खेलेंगी। फेकनः, फेकन फिर जवाब देता है आम, हाँ बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागिनी यानी मेरे पार्टनर जूली अस्ति यानी जूली है, जूली कोई नाम है लड़की का। फिर प्रसन्ना बोलता है एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा कबड्डी, कबड्डी जो कि खेल है, नियुद्धम यानी कुश्ती, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग यानी चेस शतरंज इत्यादि है स्पर्धा भविष्यन्ति, ये सारी स्पर्धाएं वहां होंगी। इंद्र कहता है हुमे, हे हुमे किम तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो। इंद्र हुमा से कहता पूछता है कि क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरी पक्ष में खेल रही है, मेरे पक्ष में यानी मेरे फेवर में खेल रही है। हुमा जवाब देती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे सिनेमा पसंद है, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ पर मैं एक दर्शक के रूप में रहूंगी, ऑडियंस के रूप में मैं यहाँ रहूंगी। फेकन बोलता है अहो पूर्ण कुत्र अस्ति, अरे पूर्ण कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है, क्या उसने किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं लिया। रामचरण कहता है सह दृष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालय पटनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, तस्मै यानी उसके लिए, अस्माकं यानी हमारे विद्यालय यानी विद्यालय में, पटना यानी पढ़ने के लिए, तु यानी तो विशेष व्यवस्था, विशेष व्यवस्था वर्तते यानी है, उसके लिए विशेष प्रबंध है पढ़ने के लिए तो, परम परंतु क्रीडायै खेलने के लिए प्रबंध है नास्ति, खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
फिर हुमा कहती है, अयम कथमपि न न्याय संगत है, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, यानी न्यायोचित यह बात नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, वह एबल है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति, परंतु प्रबंधन के अभाव में यानी व्यवस्था के अभाव में वह खेल नहीं सकता। इंद्र कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे तादृशानि यानी उस तरह के, अनेकानि अनेक, मित्राणि यानी मित्र, सन्ति यानी हैं, हमारे इस तरह के बहुत सारे मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यता समर्थानि, वस्तुतः वास्तव में तानि यानी वे, अन्यता समर्थानि, अन्यता समर्थानि यानी वो समर्थ हैं, यानी डिफरेंटली एबल्ड वो बच्चे हैं हमारे साथ में, जो हमारे मित्र जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। फेकन कहता है, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सभी प्राचार्य जी से मिलते हैं, तम कथयामः, और उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से ये पाठ है, पाठ का सारांश है, भावार्थ है। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। इन सभी उच्चारण के जो शब्द आए हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये अस्मद और युष्मद शब्द के कुछ विभक्तियों के रूप हैं, जिसे यह इस लाइन में जो शब्द आए हैं वो एक वचन में हैं, और यहाँ जो शब्द हैं वो द्विवचन में हैं, और यहाँ जो शब्द हैं वो बहुवचन में हैं, है ना? तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अहम आवाम वयम, ये अहम एक वचन है, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में हैं। फिर माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, आसमान यानी हम सबको, फिर मम यानी मेरा, आवयो यानी हम दोनों का, अस्माकम यानी हम सबका, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, त्वाम यानी तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको, फिर तव यानी तुम्हारा, युवियो यानी तुम दोनों का, युष्माकम यानी तुम सबका। इस तरह से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इनसे ही पूरी तरह से हल हो पाएंगे। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। अहम क्रीडामी, लो देख लीजिए, पहले पर ही आधारित है यह प्रश्न। तो अहम क्रीडामि, अहम का बहुवचन में बदलना है, निर्देशानुसार हम परिवर्तनम कुरुत, इसका मतलब है कि निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर दीजिए। तो यहाँ क्या करना है, इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ अहम जो शब्द है उसका बहुवचन लिखिए पहले, तो अहम का बहुवचन वयम, तो यहाँ देखिए उदाहरण में वयम लिखा हुआ है। फिर क्रीडामि का बहुवचन क्रीडामः, क्रीडामि का बहुवचन जैसा कि हमने पट धातु रूप पढ़ा है उसी तरह से बनाना है, जैसे पठामी पठाव पठाम, पठामी का बहुवचन पठामह बनता है, तो हमें वहाँ क्रीडामी का बहुवचन क्रीडामह किया हुआ है। चलिए प्रश्न देखते हैं। अहम नृत्यामी, इसको बहुवचन में बनाना है, तो अहम को तो वयम बना दिया है, जैसा कि यहाँ देखा है हमने, अहम का बहुवचन वयम। फिर नृत्यामी का बहुवचन नृत्यामह, जैसा कि क्रीडामह किया हुआ है वैसे ही, पट धातु की तरह से इसका रूप चलता है। फिर त्वम पठसी, त्वम का बहुवचन बनाना है, त्वम का बहुवचन देखिए यहीं से, त्वम का बहुवचन ये त्वम यानी तुम्हें, तुम, और इसका बहुवचन यूयम, तुम सब, तो इसका त्वम का बहुवचन यूयम किया है। और पठसी का बहुवचन पट धातु से देख लीजिए, यहाँ ये पट धातु का, पठसी का बहुवचन है पठत, तो ये हमने कर दिया है, यहाँ दोनों शब्दों का बहुवचन हमने बना दिया। फिर युवाम गच्छता है, इसको एक वचन बनाना है, युवाम देखिए यहाँ ये है, इसको एक वचन त्वम होता है, तो युवाम का
एक वचन तुम कर दिया, फिर गच्छतः का गच्छसि, वही पट धातु की तरह से। देखिए यहाँ पट धातु, पट धातु पठथ है, तो इसका पठथ है ये, इसका एक वचन पठसी ये होता है, तो गच्छ धातु का गच्छतः दिया है यहाँ पर, गच्छतः है, तो इसका एक वचन गच्छसी बन जाएगा। फिर है अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम का देखिए यहाँ अस्माकम, ये अस्माकम है और पुस्तकानि दिया हुआ है। अस्माकम का एक वचन क्या होता है देख लीजिए, एक वचन मम होता है, तो यहाँ मम कर दिया। पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम, कैसे हुआ, फल शब्द हमने पढ़ा है, फल शब्द फलम फले फलानी, तो यहाँ पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि इस तरह से उसके पुस्तक शब्द के रूप चलते हैं, तो फलाने का एक वचन फलम होता है, तो पुस्तकम का एक वचन, ये पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम बन जाएगा। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया है, पुस्तकानि का पुस्तकम किया है। तव गृहम यहाँ है, तव का द्विवचन बनाना है, तव ये रहा, तो यहाँ इसका द्विवचन युवयोः, फिर गृहम का द्विवचन गृहे, पुस्तकम पुस्तके, फलम फले, तो गृहम गृहे गृहाणी, तो गृहे द्विवचन यहाँ हमने कर दिया है। फल दे शब्द देख लीजिए एक बार, ये फल शब्द है, फलम फले द्विवचन, गृहम गृहे गृहाणी इस तरह से इसके रूप चलते हैं, तो वहाँ गृहम दिया है तो उसका द्विवचन गृहे इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से चलिए आगे चलते हैं, कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर भी देख लिए पहले पर ही आधारित तो ये प्रश्न है, तो इसलिए पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो, एकवचन द्विवचन और बहुवचन में। तो यहाँ देखिए पठामी, पठामी के साथ में हमेशा अहम आता है, क्योंकि पठामी में ये उत्तम पुरुष का है पठामी, और अहम शब्द भी, अहम आवाम वयम, ये तीनों शब्द भी उत्तम पुरुष में है, तो यहाँ एक वचन में है अहम, पठामी भी एक वचन में है, तो यहाँ अहम आ जाएगा। फिर गच्छतः है युवाम और यूयम, गच्छतः है देखिए पहले किस वचन में है, यहाँ देख लीजिए धातु रूप पठतः है, तो गच्छसि गच्छतः है, यहाँ थ लगाना लास्ट में देखिए थ है, तो वहाँ पर भी आपके प्रश्न में भी थ लगा हुआ है, ये देखिए थ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह है द्विवचन में है, ये देखिए द्विवचन में है थ है, तो पटतः है रूप बनता है, तो इसी तरह से गच्छसि गच्छतः है बनता है, द्विवचन में है, तो हमें करना क्या है, द्विवचन वाला शब्द इन दोनों में से लेना है, ढूंढना है, तो इन दोनों में से द्विवचन वाला देखिए कौन सा है, यहाँ त्वाम युवाम, ये त्वाम युवाम यूयम, युवाम और यूयम इन दोनों में द्विवचन का युवाम है, तो इसको हम यहाँ सही करेंगे युवाम। फिर है एतत् पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम् यह है पुस्तक है, यानी मम यानी मेरी, यहाँ मम आ जाएगा। फिर है क्रीडनकानी, तो ये युष्मान द्विवचन में आ जाएगा, ये द्वितीय विभक्ति में बहुवचन है, लेकिन युष्माकम जो है षष्ठी विभक्ति में है, संबंध के लिए कोई किसी की चीज हो, तो यहाँ युष्माकम क्रीडिकाने तुम्हारे खिलौने। फिर छात्रे स्व है, यहाँ द्विवचन है स्व है पठाव है, तो यहाँ अहम आवाम वयम, तो यहाँ आवाम वाला जो विकल्प है वह सही होगा। फिर देखिए सार्थक वाक्य बनाने हैं इन शब्दों को जोड़ करके, देखिए पहला बनाते हैं यूयम वयम आवाम, इनका हमें पता है कि यूयम के साथ में, यूयम जो कि है बहुवचन में है, ये देखिए यूयम बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ इसको हमें जोड़ना है, यूयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसको यूयम को हम यहाँ इससे नंशत इससे जोड़ेंगे। अब बीच में जो कर्म है वो और चुनना है, तो नंशत का अर्थ होता है नमस्कार करना प्रणाम करना, तो इनमें जो बीच में जो शब्द है इनमें से किसको प्रणाम करेंगे, तो यहाँ लेखम यानी लेख, शिक्षिका यानी अध्यापिका, दूरदर्शन यानी टेलीविजन,
कथा, पुस्तक और चित्र। तो यहाँ सब शिक्षिका को प्रणाम करेंगे, तो यूयम शिक्षिकाम इसको मिलाते हुए हम ऐसे जोड़ देंगे इसको। फिर देखिए इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं। फिर है वयम, वयम के साथ में हमेशा बहुवचन आता है, तो वयम रचयावः, ये रचयामः, ये आ जाएगा। लेकिन क्या रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, यहाँ हम चित्राणि रचयामः। तो यहाँ वयम, वयम को पहले चित्र से जोड़ दो और चित्राणि से रचयामः को जोड़ दो यहाँ ऐसे। तो एक वाक्य इनका हमें लिख देना है, वयम चित्राणि रचयावः। यहाँ अलग से आपको ये वाक्य लिख लेने हैं, ऐसे मैच करके लिखेंगे तो देखने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आपको वाक्य अलग से लिखना है क्रमशः। फिर ये देखिए युवाम, युवाम द्विवचन का है, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका ये द्विवचन। देखिए यहाँ युवाम कहाँ है, ये रहा, द्वितीय का द्विवचन है, तो यहाँ आपका आपको करना है युवाम को, युवाम क्या करेंगे, कथा, तो कथा कथहिष्यतः इसको इससे मैच कर देंगे। फिर देखिए आगे अहम, फिर अहम के साथ में पश्यामी को आपने देख लिया कि इसमें आमी है एक वचन का, यही है उत्तम पुरुष में, तो अहम भी एक वचन का है, तो पश्यामी यानी देखना, क्या देखेंगे, दूरदर्शनम, तो दूरदर्शन को आप पश्यामी से जोड़ दो और इधर से दूरदर्शन को अहम से जोड़ना है। फिर देखिए त्वम, तुम, फिर ये लेखी शेषी, लिखोगे क्या, लेखम, तो इसको लेख को आप त्वम से जोड़ दो। फिर लेखी शेषी को लेखम से जोड़ दो इस तरह से। फिर आ जाइए आवाम, द्विवचन का है, तो पुस्तकम इसको जोड़ दीजिए और पुस्तकम को पठिष्यावः से जोड़ दीजिए। इस तरह से इनके वाक्य बन जाते हैं। अगर हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को देख करके आप अच्छे से इनको लिख लीजिए। फिर आइए पांचवा प्रश्न है। पांचवे प्रश्न में मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। देख लीजिए, ये कोई भी शब्द आप किसी भी खाली स्थान में लिखेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे ऐसा मम पुस्तिका एतत गृहम, एतत मम गृहम, यहाँ मम आपका पहला नंबर पे आ जाएगा। फिर मैत्री दृढ़ा, यानी मित्रता दृढ़ होती है, आवयो, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है यानी मजबूत है। ऐसा है विद्यालय, ये है विद्यालय है, यहाँ आप तव भी कर सकते हो, तो यहाँ तीन नंबर डाल दीजिए। फिर ऐसा अध्यापिका, यह है अध्यापिका है, तो यहाँ आप डाल दीजिए चार नंबर युवियो। देखिए भारतम देश है, भारतम अस्माकम देश है, यहाँ पांच नंबर डाल दीजिए। एतानि पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, यहाँ छः नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए वाक्यानि रचयत, वाक्यों को लिखिए, यहाँ खालिस्तान दिए हुए थे, यहाँ मैंने लिख दिए हैं जिससे ज़्यादा टाइम न लगे। तो देखिए त्वम का, त्वम लेखम लेखी शेषी, यहाँ एक वचन में है, इसको हमें द्विवचन में लिखना है, तो त्वम का युवाम कर दिया पहले प्रश्न के अनुसार, जैसे त्वम है तो इस त्वम का युवाम कर दिया है, तो इसी को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया। फिर लेखम, लेखम एक वचन में है तो इसका द्विवचन लेखे हो जाएगा, फलम शब्द की तरह, फल शब्द देखिए यहाँ
यह है फल शब्द, फलम फले, फले द्विवचन है और फलम एक वचन है, तो फले कर दिया, फिर बहुवचन में फलानी हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ इस प्रश्न को किया गया है। फिर लेखिशेषी एक वचन में है, लेखिशेत है द्विवचन में है, फिर लेखिशेत बहुवचन में आ जाएगा। इसी प्रकार से आवाम यहाँ दिया हुआ था, आवाम का एक वचन अहम, फिर वस्त्रे द्विवचन में है तो वस्त्रम, धारयिष्या वह एक द्विवचन में है तो धारयिष्यामि, ये हो जाएगा। फिर आवाम का बहुवचन वयम, वस्त्रे का बहुवचन वस्त्राणि, धारयिष्या वह का बहुवचन धारयिष्यामि धारयिष्यामः, इस तरह से। फिर अहम आवाम, पुस्तकम पुस्तके, पठिष्यामि पठिष्या वह, फिर आहम का वयम कर दिया, पुस्तकम का पुस्तकानि, ये बहुवचन में कर दिया है। इस तरह से ते हमने पढ़ा है सात ते ताहा, पहले पाठ में ही दूसरे पाठ में पढ़ा है सात ते ताहा, तो उसमें ते का एक वचन सा हो जाएगा, फलम फले का एक वचन हो जाएगा, खादिशे तह का खादिशेषी हो जाएगा, फिर ते का बहुवचन ताहा हो जाएगा, फलाने खादिश्यत, इस तरह से। फिर मम, मम का द्विवचन आवयो, देखिए यहाँ पहले प्रश्न में मम का द्विवचन आवयो होता है, तो ये हमने आवयो यहाँ पर किया है। गृहम का द्विवचन ग्रहे, सुंदरम का द्विवचन सुंदरे, सुंदरम का भी हमें यहाँ द्विवचन बनाना पड़ेगा क्योंकि यह विशेषण है। फिर अब देखिए आगे अस्माकम, आवयो के बाद में अस्माकम हो जाता है, ग्रहाणी ग्रहे का बहुवचन, सुंदराणी सुंदरम का बहुवचन, त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यत है यूयम गमिष्यत, क्योंकि यह दिया हुआ था तो इसका एक वचन और द्विवचन हमें बनाना था, तो यह हमने बना दिया है। अब देखिए सातवां प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी जो एक वचन में दिया हुआ है उन शब्दों को बहुवचन में लिख दीजिए और जो बहुवचन में दिए हुए हैं उनको एक वचन करना है। तो स का बहुवचन करना है हमें, स तव ते होता है तो ते यहाँ लिख देंगे हम, ते इस तरह से। फिर ताहा, ता होता है साका, सा ते ताहा स्त्रीलिंग में, तो साका बहुवचन ताहा होता है, हमने पहले वाले प्रश्न में भी पढ़ा था। देखिए यहाँ सा, साका बहुवचन यहाँ ताहा, द्विवचन में ते। त्वम का बहुवचन त्वम युवाम यूयम, यहाँ हमें यूयम लिखना है। इसलिए मित्रों इस प्रश्न तक आपका पहला प्रश्न ही हम फॉलो कर रहे हैं, उस पहले प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एताह बहुवचन में है तो इसका एक वचन हो जाएगा एषाह, एषाह, इससे सही राइटिंग में नहीं लिखा जा रहा है, आप सही लिख लीजिए। तव, तव का हो जाएगा तव युवियो युष्माकम, तो यहाँ हम युष्माकम लिख देंगे, युष्माकम, ये लीजिए। कैसे लिखा, तव का बहुवचन, देखिए पहले प्रश्न में तव का बहुवचन युष्माकम, ये देखिए, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अस्माकम का एक वचन मम आवयो अस्माकम, तो मम हमने देखा था अभी, तो मम होता है। फिर तानी का तत् ते तानी, तो तत् हो जाता है नपुसक लिंग में तत् शब्द का, तो तत्ते तानी, इस तरह से ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो धन्यवाद सभी को, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कोई डाउट है तो। सभी दर्शकों को नमो नमो।